हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, वनस्पतियों की कमी नहीं है, इसीलिए ये इस देश को जड़ी बूटियों का प्रधान देश माना जाता है। हमारे भारतवर्ष में यही वर्षा काल शुरू होती है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो पत्तियाँ दिखा रहे हैं, जो पेड़ दिखा रहे हैं, भारत के सर्वत्र इलाके में पाया जाता है। बहुत ही कॉमन ये पेड़ है, यह कहीं भी आप देखेंगे सड़कों के किनारे आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसकी लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, फर्नीचर बनाने के उपयोग में ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसकी पत्तियाँ कितना महत्वपूर्ण हैं, कितना औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पेड़ की पत्तियों के अद्भुत फायदों के बारे में। दोस्तों, देख लीजिए और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। इस पेड़ का नाम है दोस्तों शीशम। ये शीशम की पत्तियाँ जो होती हैं, इसका बहुत ही महत्व होता है आयुर्वेद में। दोस्तों, इस पत्तियों का प्रयोग करके आप अनेकों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी मेहनत सफल होती है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, ये पत्तियाँ हैं, इनका प्रयोग करके धात रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, शीशम की पत्तियों का प्रयोग करके लिकोरिया से छुटकारा पाया जा सकता है, महिलाओं के प्रदर रोग और श्वेत प्रदर की जो प्रॉब्लम होती है उनसे मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, इस पत्ती का प्रयोग करके धात रोग और जो आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी होती है उनसे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इन पत्तियों का प्रयोग करके दांत खाज खुजली से निपटा जा सकता है। दोस्तों, इन शीशम की पत्तियों के द्वारा अगर आपको किसी अंग में सूजन हो गया है तो उसको दूर कर सकते हैं। इस शीशम की पत्तियों के द्वारा अगर आपके किसी अंग में गांठ बन गया है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। दोस्तों, इस समय इसके फल नहीं दिख रहे हैं, इसके फल बहुत ही पतले पतले और मंजरी की तरह से होते हैं। दोस्तों, इसका फल का जो बीज होता है वह भी बहुत ही पौष्टिक होता है। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि किस तरीके से आप इस शीशम की पत्तियों का प्रयोग करके आप अनेकों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, अगर आपको धातु की प्रॉब्लम है, आपके पेशाब में धातु जाता है जिससे आपका सेहत बिगड़ता चला जा रहा है, तो आप क्या करें? दोस्तों, शीशम की पत्तियों को अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लें, पीस करके इसका रस निकाल लें, मात्र 10 ml की मात्रा में। एक चम्मच आप शहद के साथ इसे सेवन करें कंटिन्यूअस सुबह में। इससे आपकी धातु की जो प्रॉब्लम है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ अक्सर महिलाओं में देखने के लिए मिलता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको ये पत्तियाँ रामबाण औषधि की तरह से काम करती हैं। इसके लिए इन पत्तियों का रस निकालें, कम से कम 10 ml, इसमें एक गिलास छाछ लें और थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में सेवन करें तो लिकोरिया और श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है तो इन पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें, शीशम की पत्तियों का पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा हिटकरी पाउडर मिला करके दांत खाज खुजली पर अगर लगातार 3 दिन तक लगाते हैं और 10 मिनट छोड़ते हैं, 10 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से धो लेते हैं, तो आपका दांत खाज खुजली मात्र 3 दिन में ही जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके किसी भी अंग में घाव बन गया है, घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप क्या करें, इन पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं, हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिक्स करें और घी में इसे हल्का सा भून करके घाव वाले स्थान पर लगाएं। कंटिन्यूअस लगाने से आपका घाव बहुत ही जल्द भर जाता है। इस पेस्ट को लगाने से अगर आपके किसी अंग में गांठ बन गया है तो वह गांठ भी गल जाता है। दोस्तों, अगर आपके
किसी अंग में सूजन हो गया है तो इसके पत्तियों के पेस्ट में हल्दी मिला करके और घी में भूज करके अगर आप लेप करते हैं तो आपके अंग का सूजन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ यह यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती हैं। अगर आपकी यूनिटी वीक रहती है, बार बार आपको सर्दी खांसी या जुखाम हो जाया करता है, तो आप शीशम की पत्तियों का काढ़ा बनाएं और 50 से कम यानी 20 ml की मात्रा में इसकी मात्रा को लें काढ़े का, और इसमें थोड़ा सा देसी गुड़ मिक्स करके कंटीन्यूअस चाय की तरह से पिए सुबह में। इससे आपकी यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आपको एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। मौसम के बदलाव के साथ साथ जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बचे रहेंगे, आपको सर्दी खांसी जुखाम से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इतनी फ़ायदेमंद ये पत्तियाँ होती हैं, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा होने की वजह से यह आपके आंत को स्वस्थ बनाती हैं। अगर 5 ml की मात्रा में शीशम की पत्तियों का रस 10 दिन मात्रा अगर आप सेवन कर लेते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे आपका जो आंत है, आंत का इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है, आपके आमाशय को स्वस्थ रखता है। अगर आपको पेचिश की शिकायत रहती है, बदहजमी की शिकायत रहती है, पेट से संबंधित कोई भी परेशानी रहती है, तो उसको यह दूर करने का काम करता है। दोस्तों, इतनी फ़ायदेमंद होती हैं ये शीशम की पत्तियाँ। दोस्तों, सिर दर्द होने पर अगर आप शीशम की पत्तियों का पेस्ट अपने ललाट पर छापते हैं तो आपको सिर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। अगर आपके पेशाब में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, आपका पेशाब रुक रुक करके आता है, पेशाब में कर्क रोग है यानी आपको पेशाब में जलन होती है, या पेशाब की नली में पथरी बन रहा है, या गुर्दे की नली में या गुर्दे में पथरी बन रहा है, तो इसके लिए भी यह रामबाण औषधि की तरह से काम करती हैं शीशम की पत्तियाँ। इसके लिए आपको मात्र ये करना है कि शीशम की पत्तियों का रस 10 ml एक गिलास मट्ठे यानी छाछ में मिलाएं और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके सुबह खाली पेट सेवन करें। प्रतिदिन इसका अगर सेवन आप करते हैं 15 दिन तक, तो इससे आपके मूत्र विकार समाप्त होंगे और पथरी की जो शिकायत है, आपकी पथरी गल करके धीरे धीरे पेशाब के नली के रास्ते निकल जाएगी। दोस्तों, इतनी फ़ायदेमंद होती हैं ये शीशम की पत्तियाँ। इसके साथ साथ अगर आपको अंदरूनी कमजोरी की प्रॉब्लम है, धातु छीणता की प्रॉब्लम है या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें? अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो किसी किसी शीशम के पेड़ में फल आपको दिखेंगे, इसकी फलियां दिखेंगी, लेकिन इसमें अभी फलियां नहीं लगी हुई हैं, तो इसकी पतली पतली फलियां होती हैं और उसके पतले पतले बीज होते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी है तो उस फलियों से आप बीज निकालिए ज़्यादा मात्रा में पके हुए, और इसे सुखा कर इसका चूर्ण बना करके रख लीजिए। 5 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण शहद में मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में सेवन कीजिए, ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पीजिए, आपकी समस्त कमजोरियाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।